जी, मेरा नाम संयुक्त खान है, मैं प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, डिफा चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री गुजरात चैप्टर का मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ। दरअसल आज का जो इवेंट है वो रिफा चैम्बर ने ऑर्गेनाइज़ किया है, पूरे रियासत गुजरात के अंदर, स्टेट गुजरात के अंदर जो भी बिजनेस आइकॉन्स हैं, जो एंटरप्रेन्योर्स हैं जिन्होंने एक रिमार्केबल अचीवमेंट किया है बिजनेस एंड इंडस्ट्री के अंदर, उनको रिकॉग्नाइज किया जा रहा है। और इसका मकसद खास ये है कि उनकी इंस्पिरेशनल स्टोरी से जो आज के यूथ हैं जो बिजनेस करना चाहते हैं, जो ड्रीम रखते हैं, उनको इंस्पिरेशन मिले और वो उनसे सीख कर अपने ड्रीम प्रोजेक्ट के अंदर आगे बढ़ें, ये इसका मकसद है। तकरीबन 15 से 16 आइकन्स हमने फाइनलाइज़ किया है, जिसके अंदर अलग अलग अहमदाबाद शहर के भी कुछ लोग हैं, जैसे एक इनामुल इराकी साहब हैं जो मतलब बहुत अच्छा स्टील मैन्युफैक्चर के अंदर का काम है, एक हुसैन लाखा हैं जो समीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के CMD हैं जो सौराष्ट्र रीजन में उनका अच्छा काम है, ऐसे और बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ पर आने वाले हैं जिनको हम रिकॉग्नाइज करने वाले हैं। और पार्टिसिपेंट्स भी जो हैं वो अलग अलग शहर से यहाँ पे जमा हो रहे हैं, तकरीबन 200 से 220 पार्टिसिपेंट्स का हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जिनका रजिस्ट्रेशन हुआ है वो लोग आने वाले हैं जो इस इवेंट का हिस्सा रहेंगे। इसके अंदर कोई बिजनेस या इंडस्ट्री की कैटेगरी डिफाइन नहीं किया हुआ है, ये जनरल है, सारे पार्टिसिपेंट जो भी एक एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी में हैं या वो शुरू करना चाहते हैं, चाहे वो एकदम यूथ हों जिन्होंने अभी अभी अपना करियर शुरू करने की कोशिश की है, वो लोग भी इसके अंदर रहने वाले हैं, और जिन्होंने एक रिमार्केबल अचीवमेंट किया है, बिजनेस एक लेवल पे ले गए हैं और स्केल अप करने का चाहते हैं, वैसे लोग भी हैं इसके अंदर आने वाले हैं। ये जो रिफा चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स है, ये बिजनेस जो एंटरप्रेन्योर्स है या बिजनेस मैन है उनको कैसे सपोर्ट करती है? रिफा चैम्बर ऑफ कॉमर्स का जो खास मकसद है जिसके लिए ये कायम की गई है वो ये है कि इसके अंदर जो भी एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी शुरू करना चाहते हैं वो क्या कहते हैं, उनको टेक्निकल लीगल की गाइडलाइन भी मिले, उनको सपोर्ट मिले और उनको एक दूसरे को देखकर नेटवर्किंग हो, उनको बिजनेस में कैसे ले जाना, सर्विस प्रोवाइडर हुए, प्रोडक्ट प्रोवाइडर, ऐसे लोगों का उनको नेटवर्किंग के ज़रिए सपोर्ट करती है। और उनके अगर लीगल कोई रिक्वायरमेंट है, फाइनेंस के कोई इश्यू है, जिसके अंदर गाइडलाइन प्रोवाइड करने का काम रिफा चैम्बर ऑफ कॉमर्स करती है। रिफा जो है फिलहाल 17 स्टेट के अंदर मौजूद है, उनके वहाँ पर सबके ऑफिस वगैरह हैं जहाँ पर ये ऑपरेट कर रही है। ये 3 शहर के अंदर ऑलरेडी इसका इंट्रोडक्शन हो गया है और बाकी के मतलब साल के अंदर दूसरे 4 सिटी और हैं जो टारगेट किए जा रहे हैं जहाँ पर रिफा का यूनिट शुरू होगा। बस बिजनेस यूथ को ये कहना चाहते हैं कि जो भी हमारे बॉटल नेक्स या हर्डल्स होते हैं जिसके बारे में हम समझते हैं कि हम बिज़नेस स्टार्ट नहीं कर पाते हैं, और वो उस वजह से बहुत टैलेंट रखने के बावजूद भी लोग अपनी एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी शुरू नहीं कर पाते हैं, तो उनको यही एक मैसेज है कि आप अगर कॉन्फिडेंस रखते हैं, अल्लाह ताला पे यकीन रखते हैं, तो आप जो भी कदम उठाएंगे उसके अंदर अल्लाह ताला आपकी राह हमवार करेगा, आपको जस्ट पहला स्टेप लेना है और अपना तैयारी के बारे में शेयर करना है। मेरा नाम मिर्ज़ा अफजल बेग है, मेरा ताल्लुक बॉम्बे से है और ये मैं रिफा चैम्बर ऑफ कॉमर्स का नेशनल जनरल सेक्रेटरी हूँ। देखिए, इवेंट्स जो यहाँ पर होने जा रहा है हमारे पूरे हिंदुस्तान भर में, हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि जो बिज़नेस कम्युनिटी है उसको उनकी ज़िम्मेदारी का एहसास दिलाएं, उनको ये बताएं कि इस मुल्क के डेवलपमेंट के लिए उनकी एक बहुत अहम रोल प्ले करना है, इसके लिए एक प्लेटफॉर्म बनाना है, नेटवर्क करना है, कनेक्टिविटी करना है और अपने बिज़नेस को स्केल अप करना है। तो उसी मकसद तहत आज ये नेटवर्किंग मीट यहाँ पर रखी गई है। देखिए, नेटवर्क मीटिंग जब कई बिजनेसमैन आपस में मिलते हैं, अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, एक दूसरे से वो बिज़नेस शेयर करते हैं, एक्सपीरियंस शेयर करते हैं और म्यूचुअली बेनिफिट होते हैं। इस तरह नेटवर्क मीटिंग होती है। आज जो हमने मीटिंग रखा है इसकी थोड़ी सी नौीयत अलग है कि यहाँ हम 15 सक्सेसफुल बिजनेसमैन को उनको फेलिसिटेट करेंगे, उनको इनाम देंगे, उनके एक्सपीरियंस से वो लोगों को मोटिवेट भी करेंगे और एक सैम्पल, एक रोल मॉडल और लोग बनेंगे। तो बेसिकली आज जो है एक तरह से बिजनेस आइकॉन्स का फेलिसिटेशन प्रोग्राम है, ये कोर प्रोग्राम है, उसके अलावा कुछ लेक्चर्स कंटेंट भी होगा। देखिए, बिजनेसमैन को, किसी भी बिजनेसमैन को क्या ज़रूरत होती है, वो चाहता है कि अपने प्रॉब्लम्स को किसी से शेयर करे और वहाँ से सोल्यूशन मिले। दूसरा ये होता है उसको नेटवर्क मिले, और आज पूरे हिंदुस्तान भर में जितने भी चैम्बर ऑफ कॉमर्स यही करते हैं ना, एक प्लेटफॉर्म होता है जहाँ कई बिजनेसमैन मिलते हैं और नेटवर्क करके बिजनेस करते हैं। तो बेसिकली रिफा चैम्बर ऑफ कॉमर्स ये काम कर रहा है
रिफा चैम्बर ऑफ कॉमर्स दूसरों से अलग इन बानों में है कि जितने भी चैम्बर ऑफ कॉमर्स हैं उनकी रीच एक या दो स्टेट्स तक के ज़्यादा नहीं है। हम अल्हम्दुलिल्लाह 17 स्टेट्स में प्रेजेंट हैं, तो 17 स्टेट्स ऑफ इंडिया जहाँ पर हमारा तो इतना बड़े पैन इंडिया नेटवर्क रिफा प्रोवाइड कर रहा है, ये हम और लोगों से इस तरह से अलग है। जी, आप क्या क्या सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो? देखिए, हमारे जो है मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स अवेलेबल हैं, जैसे मिसाल के तौर पर हमारा एक बिजनेस नेटवर्किंग डिपार्टमेंट है, वो आपको नेटवर्क करके कैसे देता है। हमारे गवर्नमेंट्स लाइजनिंग करने का अलग डिपार्टमेंट है, एक हमारा टैक्सेशन कंप्लायंसेस का डिपार्टमेंट है, जो बिजनेस शुरू करते हैं तो बहुत सारे कंप्लायंसेस के बारे में, एक हमारा इंटरनेशनल डिवीजन है, तो आपके प्रोडक्ट को कैसे बाहर एक्सपोर्ट करना वो उसके बारे में, ऐसे मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स, हमारा एक वेबिनार का डिपार्टमेंट है हमारा, तो बहुत सारे मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के ज़रिए कोई एक रिक्वेस्ट आती है हमारे पास, तो हमारे बैक एंड से उसको जो सर्विस इन्फॉर्मेशन के हद तक होती ठीक है, उससे नेक्स्ट लेवल पर होता है तो हमारे नौ डिपार्टमेंट्स को वो एस्केलेट करके उनको सर्विस दिलाई जाती है। जी, जैसे ये कोरोना का जो पीरियड रह चुका है पहले, तो रिफा ऑफ चैम्बर्स ने क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड की है, उसमें भी बिजनेस वर्किंग स्टार्ट था, उसका थोड़ी डिटेल्स दीजिए। देखिए, जब ये प्रॉब्लम आया ना कोविड का, तो अचानक जो शॉक लगा लोगों को तो सारे बिजनेस परेशान हो गए, लेकिन कुछ दिनों के बाद लोगों ने अपने बिजनेस को थोड़ा सा रिस्ट्रक्चर किया, थोड़ा सा नए एवेन्यूज़ देखे, और उस मामले में इस जो ट्रांजिशन फेज़ में उनको जो गाइडेंस चाहिए थी, तो हमने चेन ऑफ घर लोग बैठे थे चेन ऑफ वेबिनार शुरू किया, जाकि फ्री में हम एवरी वीक एक इस टॉपिक पर लेक्चर देते थे, एक्सपर्ट्स उस पर लेक्चर देते थे, गाइडेंस करते थे, तो इस दौरान हमने मोर देन 100 वेबिनार्स कोर इश्यूज़ के ऊपर अलग टॉपिक्स पर लेक्चर किया, और उसके अलावा भी कुछ को चाहिए तो हम लोग बैकेंड से सपोर्ट देते हैं गाइडेंस का। ये जो आप वेबिनार कर रहे थे उसके टॉपिक्स क्या थे? तो हम जो वेबिनार्स करते थे बेसिकली हमने दो सेगमेंट किया था, एक था बिजनेस स्टार्टअप, आपको नया कारोबार शुरू करना है, लोग परेशान थे तो नया कारोबार स्विच करना चाह रहे थे या कुछ नहीं समझ में आ रहा है, जॉब छोड़ के बैठे, नौकरी छूट गई तो क्या करें, ऐसे लोगों के लिए हमने कई टॉपिक्स पर गाइडेंस किया था, और वेबिनार का जो एक्सपर्ट था सिर्फ लेक्चर ही नहीं दे रहा था, अपना नंबर भी शेयर करता था कि उसके बाद भी जो उसको सपोर्ट चाहिए तो गाइडेंस के लिए वो था। और दूसरा सेगमेंट था कि स्केल अप, कि बिजनेस को एग्जिस्टिंग कैसे नेक्स्ट लेवल पर लेके जाना है, जो स्ट्रगल कर रहे हैं परेशान हैं, ह्यूमन ड्रिवन से सिस्टम ड्रिवन कैसे लाना है, उसके ताल्लुक से भी हमने, तो बेसिकली हमने पूरे जितने लेक्चर्स हुए थे इन दो सेगमेंट्स हमने बांटे थे, और अल्हम्दुलिल्लाह आज भी YouTube पर हमने फ्री में उसको रखा हुआ है, वो अवेलेबल है। जी सर, कोई मैसेज? कोई देखिए, मैसेज तो ये है कि आज मुल्क जिस कंडीशन से गुजर रहा है, जो इकोनॉमिक क्राइसिस हमको सबको पता है जो हम फेस कर रहे हैं, इस क्राइसिस से इस मुल्क को बाहर सिर्फ और सिर्फ बिजनेसमैन एंटरप्रेन्योर ही निकाल सकता है, तो उन एंटरप्रेन्योर को अपनी जिम्मेदारी का एहसास दिलाना, उनको ये बताना कि बिजनेस तुम अपने लिए नहीं पूरी इंसानियत के लिए बहुत कुछ कर सकते हो, और उस करने में आपको जो सपोर्ट चाहिए रिफा उसके लिए तैयार है, तो ये मैसेज देना है अपने बिजनेस को लेके जाने के जरिए इंसानियत को एक बहुत बड़ी आपको खिदमत देनी है, बेसिकली मैसेज हमारा।